आप जानते हैं कि साल का ये छहवां महीना है। इस छह महीने में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किस लिए? कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे, खुदावंद करीम का फजल हम पर हो, आमीन। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम खुदा की दामन में तौहीद और रहमत में आबाद हों, आमीन। इंसान हर मर्ज में मुब्तला है, हर वहम में मुब्तला है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मवाए अरो तू इलाही, क्या फिर क्या हो जाएगा। इस वास्ते मैं आज 8 जून दो हजार अठारह का वो सुना आ रहे हैं जिसमें कई सिर्फ अल्लाह का रिस्क करता है। हम जब इस बात को देखते हैं तो हम आगे नहीं जाते, हम पीछे जाते। 103 या 105 साल का अरसा इस वक्त हमारे सामने, वो मालूम दुखियों जिसमें हमारा पीरखाना, जिसमें हमारी कुर्बानी की आसें, जिसमें हमारा अमल जो है वो हाजिर है गुलदस्ता की तरह। हम कहते हैं कि हम किसी काम के नहीं, वो कहते हैं हम हर काम के हैं। बड़ा काम हमारा ये है कि हम दिलों पर सरकारी चूक करते कोई कहां से, कोई कहां से, कोई किस जगह से आए, किसी को तकलीफ हुई होगी। मैं खुद बीमार हूं लेकिन हजरत बाबा जी साहब के लिए सिख वालों के विशाल का टाइम और उनके विशाल के बाद उनकी याद में ये जगह आई, उनकी याद में आप भी आए, उनकी मोहब्बत में आपको बार रखता भी है। तो लेकिन क्या करना है, अल्लाह का रिस्क, क्या करना है, शरीयत की ताबेदारी करनी, क्या करना, तकवा करनी। यहाँ कोई सियासत नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा सदगुरा नहीं जो मुल्क अमन और मुल्क के शहरियों के लिए खतरनाक। आपकी जिम्मेदारी है कि अमन हो, आमीन। आपकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं
یہ بم روپ کو چڑ گئی. آمین. آپ کی ذمہ داری ہے آپ سے, آپ کے دوست سے, آپ کے عیال سے کوئی نماز قضا نہ ہو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شب بیدار ہو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ذکر اللہ میں مستقبل ہوں. میں کو تھوڑ کہتا انسان صرف گن کی کرو خدا کی, جس کی صرف کرنے میں پیغمبر آئے, نبی آئے, الہی آئے, سبحان اللہ, اور اپنا معجزہ دکھا. جس جگہ میں ہم بیٹھے ہیں یہ خدا کر رہے ہیں. بے شک گویا اس وقت آپ کا اور اللہ تعالی کا گھر ہے. آپ کا گھر آپ کے دل میں. اللہ تعالی کا گھر ہم ساری مسجد. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نہ ہو. تو ان حالات میں 103 سال